मुझे सबसे पहले ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी आखिर चाहती क्या हैं। जब बिल लाए गए तब उनको उससे समस्या थी, जब उनको वापस लिया गया है, रिट्रैक्ट किया गया है, तब उनको समस्या है। तो हमको समझ में नहीं फिर वो चाह क्या रही हैं। खुल के बताएं, वो इस पे राजनीतिकरण ना करें, इस पर खुल के बताएं कि वो फिर क्या चाह रही हैं। ये क्लियरली बस मैटर को पोलिटिसाइज कर रही हैं, क्योंकि वाकई अगर उनको किसानों से लगाव होता तो कल का जो ऐतिहासिक दिन था जब माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कानूनों को वापस लिया, उन्होंने ये साबित किया कि जनता राजा है, जो जनता चाहेगी वही होगा। हमने जनता की आवाज़ सुनी, जनता अगर इन 3 बिलों को स्वीकार नहीं कर रही है तो हम इनको वापस लेते हैं। सीधी सी बात है, कुछ इंट्रोड्यूस कराया गया, उसमें जो भी किसानों की आवाज़ उठी, आम जनमानस की आवाज़ उठी, उसका संज्ञान लिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और उन 3 बिलों को वापस लिया गया। तब भी वो इससे असंतुष्ट हैं, तो हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं। फिर अब तो राजनीति करने के मुद्दे भी खत्म हो गए उनके पास। तो सबसे पहले वो ये क्लियर करें कि वो चाहते ही क्या हैं। मैम, प्रियंका गांधी ने क्या इसको प्रॉपरली बताया जाए कि किस तरह से वापस लिया जाएगा, एमएसपी इंश्योर किया जाए? साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो भी इस मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव रही हैं, और लखीमपुर वाली घटना को भी उन्होंने उजागर किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, वो भी उस मूवमेंट में शामिल हुई, और उनको भी प्रताड़ित किया गया, 3 दिन जेल भी भेजा गया। लगातार कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए लड़ रही है। जब सत्र चालू होगा, संसद में जब सत्र चालू होगा तो अधिकृत तरीके से इन कानूनों को वापस लिया जाएगा। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको पूरी तरीके से सत्र चालू होने पे उसका पालन किया जाएगा। तो ये तो इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता कहा भी था कि जब इस बार विंटर सेशन चालू होगा, इसको पूरी तरीके से प्रोटोकॉल के तहत वापस लिया जाएगा। तो उसमें तो कोई वो तो उसमें तो कोई टिप्पणी करने की बात ही नहीं है। रही लखीमपुर की बात या अन्य जो भी मुद्दे हैं, तो प्रियंका गांधी जी ने हमेशा सदैव उस पर राजनीति करी है। लखीमपुर की जो भयानक घटना थी उस पर आज की तारीख पे सीबीआई जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्वयं उसका संज्ञान ले रहा है। और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट और इन संस्थाओं पे भी अगर उनको भरोसा नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको फिर किस चीज़ पे भरोसा है। प्रियंका गांधी से चल रही है प्रधानमंत्री, उसमें अगर शामिल हो रहे हैं तो अजय मिश्र टेनी उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके बेटे द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। और उसी घटना पे फिर जोड़ते हुए उन्होंने आप कहा था कि मैं भी इस घटना को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मुझे भी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं जब जा रही थी तो मुझे 3 दिन जेल का भेज दिया गया था। उनका बेटा जेल में है, उनका बेटा जेल में है। यदि उसका इसमें जो भी हाथ रहा हो ना रहा हो, वो सीबीआई क्लियर करेगी, सुप्रीम कोर्ट, और वो हमारे उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो मान्य होगा, या प्रियंका गांधी जी की टिप्पणी। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया सबसे सर्वोच्च है हमारे देश में, और सबको उस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए, उस चीज़ पे अपना पूरा भरोसा होना चाहिए, और ना कि बस ऐसी राजनीतिक टिप्पणियाँ। ठीक है, तो जो भी मांग थी, भले उस समय कांग्रेस ने भी उठाया था, हर पार्टी ने उठाया था कि इस पे सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे प्रकरण का संज्ञान, इस दुखद प्रकरण का संज्ञान ले रहा है। तो इससे ज़्यादा क्या उनको हमारे सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। प्रियंका गांधी अभी स्टार्टिंग की सबसे पहले पहुंचे, तो किस तरह से देखते हैं कि उनका भी एक एक्टिव रोल सामने देखने को आया है? साथ ही साथ उन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये भी कहा है कि महिलाओं की भागीदारी की बात उठाई, और कहा है कि 40% महिलाओं को इस बार लोक विधानसभा चुनाव में वो लोग टिकट देंगे। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी, ये जो 40% टिकटों का इन्होंने वादा किया है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 और ऐसे राज्य हैं जो चुनाव चुनावी उसमें जाएंगे, इलेक्शंस में जा रहे हैं। उनमें से पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ उनकी सरकार है। आप ये टिकटें बस यूपी में 40% क्यों ऐलान कर रहे हैं? उनको पता है यहाँ तो उनका कुछ है नहीं। सरकार बनाना तो छोड़िए, विपक्ष बनाने के तो काबिल नहीं है वो। छोटी छोटी रीजनल पार्टीज तो उनसे ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये बस लॉलीपॉप स्वरूप यहाँ अपने महिला वाला कोटा टिक करने के लिए, पूरा करने के लिए यूपी में ये लॉलीपॉप बांट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनको जीतना जिताना तो है नहीं। ठीक है, सरकार बनाना तो छोड़िए, विपक्ष में बैठने के काबिल तो वो है नहीं। तो यहाँ वो अपना 40% का लॉलीपॉप अच्छे से बांट रही हैं। यदि वाकई वो महिलाओं की पार्टिसिपेशन को लेके गंभीर हैं
तो यही ऐलान आपने पंजाब में क्यों नहीं किया, जहां आपकी सरकार है, आप अपने प्रत्याशियों को मजबूत कर सकते हैं, उनको अच्छे से और अच्छे से लड़ा सकते हैं, या उत्तराखंड में क्यों नहीं किया जहां मेन विपक्षी दल हैं? तो मैं तो इस ऐलान को तब मानूंगी, मैं तो लोहा तब मानूंगी अगर ये ऐलान वो जाके सबसे पहले पंजाब में करें जहां उनकी सरकार है, उत्तराखंड और अन्य जो भी राज्य जो जो 2022 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तैयारी में हैं, वहां सबसे पहले जब वो 40% टिकटें बांटेंगी महिलाओं को, तब मैं उनका लोहा मानूंगी। लेकिन इस सवाल को उनसे भी जब किया गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब ये कि वो बात कर रही हैं बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहाँ पे भी इसका प्रोसेस चल रहा है, उन्होंने ये कहा इसकी बात तो को। प्रोसेस एक साथ करें, उनकी मम्मी पार्टी की अध्यक्ष हैं भाई, उनकी पारिवारिक पार्टी है, उनकी माता श्री वहाँ अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी की, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। तो ये बहानेबाजी अगर और कोई बिलीव करे तो मुझे नहीं पता, पर मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि दूसरी स्टेट्स में उनका बिल्कुल से ही नहीं है, या दूसरी स्टेट्स में वो इस चीज़ को नहीं लागू कर सकती। जब चुनाव में आप एक साथ एंटर कर रहे हैं, चलिए हम ये कह रहे हैं आप पूरे हिंदुस्तान के प्रदेशों में, हर प्रदेश में ना लागू करें, ठीक है, इस नीति को जो आपने बनाई है, पर कम से कम जो 2022 में यूपी के साथ हम साथ जो स्टेट्स आर इलेक्शन गोइंग स्टेट्स, कम से कम वहाँ तो लागू करें। तो ये बस पूरी तरीके से उनको पता है यूपी में दे हैव लॉस्ट ऑल ग्राउंड, उनका कुछ भी वोट बैंक नहीं है, कुछ भी उनका यहाँ नहीं है, सबसे छोटे दलों में से भी ज़्यादा, जो छोटे छोटे रीजनल पार्टीज हैं उनसे भी ज़्यादा छोटे होके ये सिमट के रह गए हैं। तो इनका बस ये एक लॉलीपॉप है कि अच्छा चलो यार जीतना तो है नहीं, कम से कम हम अपना यही एजेंडा पूरा कर लें। यदि ये वाकई गंभीर है तो सबसे पहले अन्य प्रदेशों में जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं जहाँ ये सत्ता में हैं, वहाँ सबसे पहले ये 40% महिलाओं को टिकट का जो ऐलान कर रहे हैं वहाँ सबसे पहले घोषित करें, तब मैं वाकई इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करूंगी। एक आखिरी सवाल है, और आप भी उत्तर प्रदेश में रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो क्या लगता है प्रियंका गांधी को खुद भी चुनाव लड़ना चाहिए? वो उनकी अपनी वो है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, उन सबका अपना डिसीजन होता है लड़ने ना लड़ने का। बट जहाँ तक इस नारे की बात है जो इन्होंने दिया, स्लोगन है, सबसे पहले वो अपने निजी सचिव को टाइट करें या उनसे पूछें, जिनके ऊपर अभी हाल में ही एक FIR हुई है, महिला उत्पीड़न का कोई केस है, छेड़छाड़ का कोई केस है, जिसको लेते हुए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक FIR दर्ज हुई है संदीप सिंह उनके जो निजी सचिव हैं। तो सबसे पहले वो अपनी टीम को दुरुस्त करें, सबसे पहले वो अपने आंगन में झांक के देखें बड़े बड़े स्लोगन्स देने से पहले।